लड़ते रहेंगे और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है, चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर, ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया है, कांग्रेस ने बनवाया है, एम्स किसने बनाया, कांग्रेस ने बनवाया, जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया, आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा लगाने का काम किए और ऊपर से बोलते हैं देश के लिए हम लड़ने वाले। परसों उनकी फोटो देखा मैं, कहां पर, पार्वती कुंड, वहां पर फोटो देखा, ऊपर सफेद कपड़े डाले हैं, अंदर क्या है बोले तो जैकेट पैंट है, ऊपर से एक सफेद वो जैसा बेस डाल के आते हैं ना, वैसा बेस डाल के वो पार्वती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महान, इतने इन्हें जो भगवान के बारे में श्रद्धा रखने वाले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, ये दिखाने के लिए, भाई हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए एक और खाने के लिए एक, वैसा ही मोदी जी का है, दिखाने का एक खाने का एक। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक तो जनगणना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ, लेकिन दूसरे लोग भी मजबूत बनना, इसमें भी हम कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है, सबको समान, सबको फायदा होना, इस रास्ते पे हम चलना है। और महिला एक रिजर्वेशन, हमारे मां बहने उधर बैठे हैं, मैं देख रहा हूं जरा अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते, या तो उधर देते या तो इधर देते, मैं देखा हूं एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूं, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते, पुरुषों को बिठाते, तो उन मां बहनों के लिए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, इससे पहले राजीव गांधी जी ने, जिसमें सब लोग एक मिनिस्टर थे, गहलोत थे, हमारे दूसरे यहां पर बैठे हुए सभी साथियों में से किसी न किसी आदमी मंत्री पद हो, तब से हम लड़ रहे, जैसा कि हम जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लड़े और महिलाओं को रिजर्वेशन मिला, आज महिलाएं जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, अभी एक महिला अध्यक्ष बन के हमारे पास जो आए थे उन्होंने शुरू में तकरीर की, ये सब कांग्रेस पार्टी, जो गरीबों को पावर देना है, शक्ति देना है, महिलाओं को शक्ति देना है, वो देती रही है, नहीं तो आज कोई एससी एसटी बैकवर्ड महिला अध्यक्ष नहीं बनती थी या नहीं बनता था। ये देन है राहुल गांधी, ये देन है कांग्रेस पार्टी का। हम उसी ढंग से पार्लियामेंट और असेंबली में लाना चाहते थे, उसके लिए हमने काम किया, लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था वो उस वक्त यही बीजेपी वालों ने फेल करा दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया तो गिर गया। लेकिन आज मोदी जी आके बोलते हैं, भाइयों और बहनों, हमने वो बिल लाया और कांग्रेस वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया, मजबूरन सपोर्ट किया। अरे मजबूरन सपोर्ट, पैदा तो हमने किया, शुरू तो हमने किया, हम बेदिली से सपोर्ट करते हैं, हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला ऊपर आए। और कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है, महिला हमारी प्रधानमंत्री बनी, यूपीए की चेयरपर्सन महिला बनी हमारी, स्पीकर, पहली स्पीकर महिला बनी हमारी, पहली
जो राज्यसभा हमारे राष्ट्रपति बनी वो भी तुम्हारे राजस्थान के गवर्नर थे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति महिला को बनाए पहली, वो भी सब चीज पहला हमारे हाथ से हुआ। तुम सब बाद में हमारा देख के कॉपी कर रहे हो हमारा, लेकिन हमारा तो कॉपी है, कॉपीराइट तुम लेना चाहते हो, लेकिन कभी जनता आपको कॉपीराइट नहीं देंगी, नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो याद रखेंगे, आज भी याद रखते हैं, आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं। तो मैं इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, इतनी कड़ी धूप और सुबह से आप लोग यहां बैठे हुए हैं अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मदद करने लिए, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सबको नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।